ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ का वो सपूत, वो वीर शिरोमणि जिसने मुगलों को दांतों तले चने दबवा दिए, उस वीर सपूत महाराणा प्रताप की आज 481वीं जयंती है। और इस अवसर पर प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र, गुलाबचंद कटारिया समेत कई दिग्गजों ने उन्हें नमन किया। आइए डालते हैं एक नजर उस वीर सपूत की जीवनी पर। वो चेत करो यशवार कटे वो महाराणा प्रताप कटे, वो एक लिंग दीवान कटे वो महाराणा प्रताप कटे। हल्दी घाटी में समर लड़े ओ, वो चेतक रो असवार कटे, मायड़ थारो वो पोत कटे वो महाराणा प्रताप कटे। भारतीय इतिहास में राजपुताने का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रणबांकुरे देश में जाति धर्म और स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में भी कभी संकोच नहीं करते थे। और उन्हीं शूरवीरों में एक ऐसा नाम अमर है जिन्हें उनके दुश्मनों ने भी सलाम किया, और वो नाम है महाराणा प्रताप सिसोदिया। अपने अदम्य साहस और वीरता के लिए जाने जाने वाले मेवाड़ के सपूत महाराणा प्रताप की आज 481वीं जयंती है। उनका जन्म महाराणा उदय सिंह और माता रानी जसवंता बाई के घर 1540 के कुंभलगढ़ में हुआ। महाराणा प्रताप ने अपनी माँ से अपनी युद्ध कौशल की शिक्षा ग्रहण की और हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को कई बार धूल चटाया। उन्हें महल छोड़कर जंगलों में भी रहना पड़ा। अपने पूरे जीवन में उन्होंने संघर्ष किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के सिर्फ भाले का वजन 81 किलो और छाती के कवच का वजन 72 किलो था, तो वहीं राणा के हर युद्ध में चेतक का बहुत बड़ा योगदान रहा। चेतक ने मरते दम तक अपने स्वामी की रक्षा की और फिर वीर गति को प्राप्त हो गया। वहीं महाराणा प्रताप की जयंती पर राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित कई दिग्गजों ने उन्हें नमन किया और लिखा कि महाराणा प्रताप राष्ट्रवाद के महानायक थे। जिस व्यक्ति ने हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए स्वाधीनता की लड़ाई को जिस बखूबी संघर्षों के बाद भी निरंतर लड़ता रहा, राज सिंहासन और सब उसके आनंद ऐश्वर्य सबको तिलांजलि देते हुए भी स्वाधीनता के दीपक को जलाए रखा। महाराणा प्रताप जी स्वाधीनता के प्रथम सेनानी थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की और मुगलों के अपने शौर्य स्वाभिमान के बूते पर धूल चटाई। महाराणा प्रताप जी समग्र हिंदू समाज के वो शौर्य पुरुष हैं जिनकी वीर गाथाएं आज भी हल्दी घाटी में गूंजती हैं। महाराणा प्रताप के स्वाभिमान, साहस और पराक्रम का संदेश हम सभी के लिए प्रेरणादायी है।